दोस्तों विंडोज 10 और 11 में आपके पीसी लैपटॉप में आपको एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल सकती है कर्सर के साथ, और ये इश्यूज रैंडमली आता है तो वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप अपने डेस्कटॉप को देख पाओ या कोई तरह की ट्रबल शूटिंग कर पाओ। अब ये बेसिकली दो रीजंस की वजह से होता है। नंबर वन, या तो कोई ग्राफिक की प्रॉब्लम है, नंबर टू कोई अपडेट की प्रॉब्लम है। अपडेट लाइक क्वालिटी अपडेट और फीचर अपडेट जो आते हैं उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इंस्टेंट फिक्स के लिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा अपने ग्राफिक ड्राइवर को रीस्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए अपने विंडोज़ कीबोर्ड पे आपको प्रेस करना है शिफ्ट कंट्रोल विंडोज़ और बी की। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल विंडोज़ और बी की एक साथ आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे आपका ग्राफिक ड्राइवर जो होगा वो आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर इसको करने के बाद आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक होती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गुड टू गो है जाने के लिए। अपने पीसी और लैपटॉप को एंजॉय करिए। अगर अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की एक साथ आपको यहाँ पर प्रेस करना है, और आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको टास्क मैनेजर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और राइट हैंड कॉर्नर पर आपको यहाँ पर एक पावर आइकन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट की। शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड रखना है, और होल्ड रखते ही आपको यहाँ पावर आइकन पे क्लिक करना है, और रीस्टार्ट फिर रीस्टार्ट एनी वे पे यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम को रीस्टार्ट कराना है। लेकिन इनकेस मान लीजिए कि आपके पास ये कंट्रोल ऑल डिलीट करने के बाद ये टास्क मैनेजर वाली स्क्रीन नहीं आती जहाँ पर आपको पावर आइकन दिखता है, तो यहाँ पे फिर आपको फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ेगा अपने पीसी या लैपटॉप को 3 बार कम से कम। तो सबसे पहले अपने पीसी के पावर बटन या लैपटॉप के पावर बटन पे टैप और होल्ड करके रखिए जब तक कि वो शट डाउन ना हो जाए। उसके बाद दोबारा से आपको अपना सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, और जैसे ही आपको यहाँ पर कुछ विंडोज़ वाली स्क्रीन दिखे वैसे ही आपको फोर्सफुली दोबारा से शट डाउन कर देना है। पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए और आपको यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। इसी तरह से दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट करिए, जैसे ही विंडोज़ लोगो दिखता है या कुछ भी दिखता है तुरंत शट डाउन कर दीजिए। इस तरह से 3 से 4 बार करने के बाद फाइनली आपको इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब सिस्टम जब आपका रीस्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जाना है ट्रबल शूट पे, और ट्रबल शूट पे आते यहाँ पर राइट साइड में आपको अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, अनइंस्टॉल अपडेट वाला, इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 2 तरह के अनइंस्टॉल करने के ऑप्शन मिलेंगे, अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट और नीचे मिलेगा अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट करके एक ऑप्शन। तो यहाँ पे दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं कि क्वालिटी अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम होगी। तो जो पहला ऑप्शन मिल रहा है इस पर यहाँ पर आप क्लिक करो, फिर दोबारा से अनइंस्टॉल ऑल अपडेट पर यहाँ पर आप क्लिक करो, और ये थोड़ा से करीब 2 से 4 मिनट का टाइम लेगा अनइंस्टॉल होने में। और अनइंस्टॉल होने के बाद दोबारा से सिस्टम को रीस्टार्ट कराइए और चेक करिए कि आपका रिजॉल्व यहाँ पे इशू हुआ है कि नहीं हुआ है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर अभी भी नहीं होता है तो दोबारा आपको इसी अनइंस्टॉल अपडेट वाले ऑप्शन पे आना है, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में बताया है। यहाँ पे आने के बाद दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना उसको भी आप अनइंस्टॉल करके देख सकते हो। तो अगर पहले वाले से नहीं होता तो 110% आपका सेकेंड वाले को अनइंस्टॉल करने से यहाँ पर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर इनकेस इन सब को अप्लाई करने के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो हो सकता है प्रॉब्ली किसी तरह का हार्डवेयर इश्यूज हो, और उसके लिए फिर आपको किसी ना किसी लोकल टेक्नीशियन को दिखाना ही पड़ेगा। तो होपफुली गाइज ये सारे सॉल्यूशंस आपके लिए 100% काम करेंगे, और आपका यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन विद कर्सर वाला प्रॉब्लम विंडोज 10 और 11 में फिक्स हो जाएगा। फिक्स होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सवाल होते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।